क्या आपके भी ड्रीम इलेवन के अंदर पैन कार्ड ऑलरेडी वेरीफील्ड बता रहा है? क्या आप भी पैन कार्ड जब भी अपने ड्रीम इलेवन के अंदर यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे आपको एरर आती है जिसमें बताया जाता है कि ऑलरेडी वेरीफील्ड अगेंस्ट डिफरेंट यूज़र। तो ये प्रॉब्लम अगर आपके साथ आ रही है तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को ठीक करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको आगे मिलने वाली है। तो बहुत से लोगों की इशू है कि जब भी वो यहाँ पर ड्रीम इलेवन में अपनी पैन कार्ड को जो है इंटर करते हैं तो पैन कार्ड इंटर नहीं हो पाती है। ऑलरेडी यहाँ पे जो है रजिस्टर बताता है आपका पैन कार्ड। तो क्या हम एक पैन कार्ड को दो अकाउंट में दो बार यूज़ कर सकते हैं या नहीं, या फिर कर सकते हैं तो किस तरीके से आप कर सकते हैं वो समझते हैं। तो सबसे पहले सिंपल आराम से अगर सिंपल भाषा में देखा जाए तो आप डायरेक्टली जो है एक पैन कार्ड को दो अकाउंट में यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए आपका क्या करना है, स्ट्रिक लगानी होगी या फिर तरीका यूज़ करना होगा। अगर आपके पास दो पैन कार्ड नहीं है, एक ही पैन कार्ड है, तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आपको अपना जो पैन कार्ड है जिस अकाउंट में ऑलरेडी लगाया हुआ है उस अकाउंट को आपको करना होगा डिलीट, और उस अकाउंट को डिलीट करने के बाद ही आप दूसरे अकाउंट में उस पैन कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। और दूसरे केस में आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके किसी भी फैमिली मेम्बर का पैन कार्ड है तो उसको लेकर आप जो है ड्रीम इलेवन के अंदर पैन कार्ड वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफिकेशन के लिए आप उस पैन कार्ड का जो है यूज़ कर सकते हैं, उसका यूज़ करके ही आप जो है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।